मैं जहाँ भी जाता हूँ ना लोचे ही होते हैं मेरे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होते हैं मेरे साथ, तो चलता रहता है मेरी लाइफ में। तो चल बाइक की क्या हालत हो चुकी है, पूरी बाइक खोल दी है भैया ने, तो फाइनली बाइक का काम करने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे तो लगने वाले हैं, सो बाइक पूरी खोल देंगे यहाँ पे। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अभी जस्ट मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और अभी लगभग सुबह के 8:30 बज चुके हैं, और 8:30 बजे मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। ये रहा अपना छोटा सा रूम, और यहाँ पर देखो अपना इंडिया का नक्शा लगा दिया है, और यहाँ पर कुछ हमने नक्शे वक्शे लगा दिए है, बुक है, और ये रहा अपना हेलमेट, और यहाँ पर भी कुछ सामान है। और गाइज, इसी रूम में मैं रहता हूँ फिलहाल, तो हिंगोली से 2 दिन पहले वापस आ गया था। और गाइज, एक लोचा हो चुका है रात में ना, अपनी गाड़ी का इंजन पूरा लॉक हो चुका है, तो अब गाड़ी का इंजन खोलना पड़ेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अभी है ना सिटी में जाना पड़ेगा, और सिटी में है ना गाड़ी का पूरा इंजन खोलना पड़ेगा, और क्या लोचा हुआ है मुझे भी नहीं पता, बट इंजन लॉक हो चुका है, ऑयल पूरा खत्म हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। सो अभी आपको है ना बाहर का एक बार लुक दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा हॉस्टल का बाहर का पीछे का लुक, और सुबह सुबह है ना ऐसे पक्षियों की चिलचिलाहट आवाज आपको सुनाई दे रही है ना, कू 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 सुनाई दे रही है। तो ये रहा बाहर का लोग, और ये है हमारी बालकनी, और इस बालकनी में अभी आया था। सो इस छोटे से रूम में हम अभी वास्तव में रह रहे हैं, क्योंकि आज बाइक में कितना काम करवाएंगे, क्या होगा, कितना खर्चा आएगा मुझे नहीं पता, वहां पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी यहाँ से जस्ट निकलना है, और नाश्ता वास्ता रास्ते में ही कर लेंगे। सो चलो चलते हैं यहाँ से। सो गाइज, फाइनली हॉस्टल के बाहर आ चुका हूँ, हेलमेट ले लिया है साथ में, और ये रही अपनी बाइक जो कि अभी यहाँ पे खड़ी कर दी है रात में, और इसी बाइक के पास आ चुका हूँ अपनी, और इस बाइक को आज शोरूम में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम भी करवाना है आज बहुत सारा, इंजन का काम निकल चुका है तो बहुत खर्चा भी आने वाला है। तो दोस्तों, फाइनली मैं बाहर निकल चुका हूँ हॉस्टल के, और अभी धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ बाइक को। बाइक ने तो सताया नहीं, बट एक किक में ही बाइक अपनी स्टार्ट हो गई, बट बाइक बहुत जाम जा रही है, तो पूरा काम करवाना पड़ेगा आज इसका। तो अभी ये रहा हमारा फैकल्टी हाउस। दोस्तों, अभी मैं सिटी में तो आ चुका हूँ, ये रहा अपना हिंगोली गेट बाईपास, और हिंगोली गेट में मार्केट से होते हैं हिंगोली गेट जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे मार्केट में अभी तक दुकानें खुले हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। अब टाइम हो रहा है लगभग 8:50 का टाइम हो रहा है, मैं लगभग 10-20 मिनट में ही आ गया वहाँ से, और अभी वहाँ पे जाएंगे चेक करेंगे, और चेक करने के बाद देखेंगे प्राइस क्या पड़ती है क्या नहीं पिस्टन की, और जो भी गाड़ी में खर्चा आएगा उसकी एक दो जगह पे इंक्वायरी करूँगा, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से आज पूरा दिन लगेगा गाड़ी का पूरा काम करने के लिए। सो अभी हिंगोली गेट बाईपास पे तो आ चुका हूँ मैं, ये रहा हिंगोली गेट बाईपास, और यहाँ से भी ले लेते हैं लेफ्ट में, और ये पूरा मार्केट जो है ना ऑटोमोबाइल्स का मार्केट है, हिंगोली गेट जो भी है ऑटोमोबाइल्स का मार्केट है। मेरे ख्याल से मार्केट अभी तक ओपन नहीं हो चुका है, मार्केट लगभग मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास ओपन हो जाएगा, पर अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मार्केट में, अभी ये फुल मार्केट और ऑटोमोबाइल्स का मार्केट एक ही जगह पे है, तो अभी देखो यार कितनी भीड़ है फुल मार्केट में। मार्केट अभी बंद है, तो मार्केट खुलेगा लगभग 11 बजे के आसपास, और अभी टाइम हो रहा है 8:55 हो रहे हैं, और अभी जस्ट मैं मार्केट में पहुँच चुका हूँ। ये रहा पूरा मार्केट, जो कि मार्केट में है ना पूरा मार्केट बंद है आज, तो ये देखो फुल मार्केट और ऑटोमोबाइल्स का मार्केट एक ही है। तो अभी लगभग मैं मुझे 1-1.5 घंटे के आसपास वेट करना पड़ेगा, तब तक नाश्ता कर लेते हैं कहीं पे। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे आ चुका है नाश्ता, और नाश्ता कर लेंगे, और कढ़ी और सब्जी और ये चावल और ये खिचड़ी है, और यहाँ पे अभी नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता कर लिया, और अभी जाएंगे बजाज के शोरूम पे, और बजाज के शोरूम पे अपनी गाड़ी का काम होता है कि वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए जाने वाला हूँ, तो चलो अभी यहाँ से बजाज के शोरूम पे जाना है। तो दोस्तों, फाइनली मैं शोरूम पे पहुँच चुका हूँ, बट शोरूम है ना पीछे से बंद है, ये देखो गेट पूरा से वैसे पूरा गेट बंद है, और ये रहा बजाज का शोरूम, और इसी शोरूम में आया था,
बट है ना आज पूरा शोरूम बंद है, संडे की वजह से मेरे ख्याल से शोरूम बंद है। लगभग 10 बज चुके हैं, 10 बजे तक ये गेट खुलता है, बट संडे की वजह से ना आज शोरूम बंद होगा, इसलिए मुझे यहाँ से अभी वापस जाना पड़ेगा, मार्केट में आज काम करना पड़ेगा बाइक का अपना। सो अभी यहाँ से लेट्स गो, चलते हैं। माइक शोरूम तो बंद है पूरा, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना लोचे ही होते हैं मेरे, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होते हैं मेरे साथ, तो चलता रहता है मेरी लाइफ में। तो चलो चलते हैं। अभी फाइनली यहाँ पे है ना अपनी बाइक खोलनी चालू कर दी है भैया ने, और इस दुकान पे अपनी बाइक का आज पूरा काम हो जाएगा, बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए इस पिस्टन को लगभग 3 घंटे लगने वाले हैं, 1:30-2 बजे के आसपास हमें बाइक मिलने वाली है वापस। और ये देखो यहाँ पे भैया वो अपने बाइक का काम चालू कर दिया है इन्होंने। और सो गाइस फाइनली यहाँ पे अपनी बाइक खोलनी चालू कर दी है, और यहाँ पे अपनी बाइक अभी खोल देंगे और उसके बाद पिस्टन का काम होगा। पूरी बाइक जो है ना इन्होंने खोल दी है, ये है भैया, तो चलो तो ये काम करने वाले हैं आज अपनी बाइक का। तो फाइनली बाइक का काम करने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे तो लगने वाले हैं, सो बाइक पूरी खोल देंगे यहाँ पे। तो गाइस देख लो बाइक की क्या हालत हो चुकी है, पूरी बाइक खोल दी है भैया ने, और आज ना पूरी बाइक रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी बाइक में। आज पूरी बाइक अपनी खोल के रख दी है, बोर पिस्टन का काम भी करने वाले हैं भैया, और क्लच प्लेट वो सब आज काम करवा देंगे। और ये देखो यहाँ पे पूरे सामान रख दिया है, और ये हालत हो चुकी है अपनी बाइक के। सो गाइस फाइनली अपनी बाइक रेडी हो चुकी है, यहाँ पे कर दी है, और अयूब भाई ने आज अपनी बाइक रेडी कर दी है, और पूरा काम फाइनल हो गया है। लगभग 2 बज चुके हैं काम फाइनल होने में, और यहाँ से अभी निकल जाना है। सो गाइस फाइनली लगभग 2 बज गए, बाइक अपनी हो गई है अभी तैयार। और यार आज बाइक को खर्चा कितना आया पता है क्या गाइस? बाइक को आज खर्चा है ना लगभग 5,600 रुपये खर्चा आ चुका है। और गाइस अपने गाइस बाइक का है ना बोर पिस्टन और क्लच प्लेट और शॉकअप ऑयल सभी बदल दिया है आज, पूरा फाइनल कर दिया है बाइक को। और बाइक ऐसे पिकअप ले रही है ना बहुत अच्छी तरह से पिकअप ले रही है। मैंने कहा यार कि अगर ब्लॉक पिस्टन गया था तो पिस्टन डालने की वजह से ना डालने की वजह से बार बार ऑयल चेंज करना पड़ रहा था, ऑयल कम हो रहा था, और रात में बाइक एक बार जाम भी हो गई थी। सो अब है ना बाइक का फाइनली काम हो गया है, तो लगभग 2 साल तक इसको देखने का काम भी नहीं है। आयुब भाई नाम के जो मैकेनिकल थे उन्होंने आप जो हमारी बाइक का पूरा काम करवा दिया गाइस, बिकॉज मुझे आज ना बाइक का काम करने में लगभग मुझे 3 घंटे का टाइम लगा। मैंने गाड़ी लगा दी थी 12:35 के आसपास लगा दी थी वहाँ पे, सॉरी 12:35 में नहीं 10:35 के आसपास गाड़ी लगा दी थी। तो 12:35 के आसपास मेरे गाड़ी का आधा काम तो हो गया था, बट आधा काम बाकी था। तो अब 2:30 बज चुके हैं, लगभग 3 घंटे के आसपास टाइम लगा, 3-4 घंटे टाइम लगा बाइक को पूरा सेटअप करने में। और बाइक का काम मुझे लगता है अच्छा हो गया है, बाइक पिकअप भी ले रही है अच्छी खासी सी। और अब उन्होंने कहा है कि बाइक अपनी जो है ना लगभग 1 महीने तक है ना 40-50 के आसपास ही रखना, क्योंकि सेटअप जब तक पिस्टन सेटअप नहीं होता तब तक बाइक की स्पीड जो है ना लिमिट में रखा करो, ऐसा कहा है उन्होंने। तो मैं अभी 40-50 के आसपास ही रखने वाला हूँ बाइक को, और बाइक एकदम स्मूथ चल रही है, स्मूथ एकदम स्मूथ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बाइक में अब। सो गाइस फाइनली गाड़ी का काम फाइनल करके मैं अभी रूम पे अपने आ चुका हूँ, और घर पे घर ही बोल सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि यही 4 दीवारों के बीच में ही मेरा घर है, क्योंकि अभी आ चुका हूँ जस्ट मुझे। और मैं वहां से निकला था लगभग 2:30 बजे के आसपास, और मुझे वहां पे से यहाँ आने में 15 मिनट का टाइम लगा, और आज बहुत खर्चा हो गया गाड़ी में, लगभग 5,600 रुपए के आसपास कुछ तो खर्चा हुआ है, मैं हिसाब बाद में लगा लूंगा। सो अभी जस्ट मैं रूम पे आया हूँ। सो आज का ब्लॉग गाइज यहीं पे एंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ब्लॉग भी काफी लंबा हो चुका है, और लंबा ब्लॉग कोई लोग ज्यादा देखने को मैं पसंद नहीं करते, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। सो गाइज आई होप यू आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।